लंबी खामोशी के बाद अचानक फिर वही बवाल मच गया जिसका डर था। एक ऐसे देश पर दोबारा खतरा आया है जिससे भारत के औपचारिक रिश्ते तो नहीं हैं, लेकिन ये देश मोदी सरकार के लिए बेहद अहम है। हम बात कर रहे हैं ताइवान की। चीन ने ताइवान को एक बार फिर चारों तरफ से घेर लिया है। चीन अचानक इतना आक्रामक हो गया है कि उसने ताइवान के पास अपने 9 युद्धपोत और 70 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही चीन लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो ताइवान पर किसी तरह से बस कब्जा कर ले। लेकिन भारत और अमेरिका चीन का ये सपना पूरा नहीं होने दे रहे। पिछले साल भी चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन भारत और अमेरिका की कूटनीति के चलते चीन को अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। अब ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब ताइवान की राष्ट्रपति अचानक अमेरिका के दौरे पर चली गई। चीन इस दौरे से बौखला गया है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान के पास बड़े पैमाने पर सेना तैनात कर दी है। अमेरिका और ताइवान को जवाब देने के लिए चीन ने अचानक ये शक्ति प्रदर्शन किया है। चीन के इस आक्रामक रुख के पीछे एक बड़ी वजह भारत भी है। भारत अगर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ देता है तो चीन का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। ताइवान भारत के लिए एक तुरुफ का इक्का है। चीन जब जब भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो भारत भी ताइवान वाली नस दबा देता है। वैसे तो भारत के ताइवान के साथ कोई औपचारिक या राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन ताइवान में मोदी सरकार की रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताइवान और भारत के बीच हाल ही के दिनों में व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी आई है। चीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर भारत ताइवान के नजदीक आता है और अमेरिका का साथ देता है तो चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसीलिए चीन बार बार भारत को वन चाइना पॉलिसी की याद दिला रहा है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान जैसा कोई देश नहीं है। भारत वैसे तो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता आया है, लेकिन मोदी सरकार में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए मोदी सरकार ने वन चाइना पॉलिसी पर बात ही करनी बंद कर दी है। भारत का कहना है कि अगर चीन अरुणाचल प्रदेश पर बात करेगा तो वो ताइवान से बात करेगा। आपको याद ही है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ताइवान के राजदूत को आमंत्रित कर लिया था। तभी से भारत ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को अपनी नीयत बता दी थी। मजा तो तब आया जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान ने ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले लिया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था।